हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलोपैलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे काइनेटोकोर और सेंट्रोमेयर की। तो ये जो सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर हम सेल साइकिल को पढ़ते हैं क्रोमोजोम के अंदर। तो आज हम इसी की बात करते हैं कि सेंट्रोमेयर क्या है और काइनेटोकोर क्या है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं बच्चों सेंट्रोमेयर की, ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेंट्रोमेयर की, फिर हम डिस्कस करेंगे काइनेटोकोर को। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर क्या है दरअसल? तो सेंट्रोमेयर इज द क्रोमोसोम्स स्पेशलाइज डीएनए सीक्वेंस। स्पेशलाइज डीएनए सीक्वेंस है दैट कनेक्ट्स और होल्ड्स द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। ये क्या है एक्चुअली? ये क्रोमोसोम में डीएनए का एक स्पेशलाइज सीक्वेंस है जो क्या करता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनको होल्ड करे रखता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए इसका जो डीएनए था उसका रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, रेप्लिकेशन कब हुआ? एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ, तो जो कॉन्टेंट था डीएनए का वो क्या हो गया, वो डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमेयर, क्योंकि सेंट्रोमेयर इस वक्त 46 है, तो क्रोमोसोम भी 46 ही रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्टेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो गया है। ठीक है, कॉन्टेंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो गया, यानी कि पहले जो 2C था वो हो गया है 4C। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो अभी तक कितना है, वो डिप्लॉइड ही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 46 सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो सेंट्रोमेयर है ये होता कहाँ पर है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिड्स हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है इस जगह से। ठीक है, यहां से ये कनेक्टेड है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो पोर्शन होगा डीएनए का जो आपस में जॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पोर्शन होगा डीएनए का जो आपस में जॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और सेंट्रोमेयर क्या करता है कि सेंट्रोमेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द क्रोमोसोम इनटू द शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को हम कहते हैं पी और लॉन्ग आर्म को हम कहते हैं क्यू आर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि सेंट्रोमेयर क्या है। यदि हम बात करें काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर जो होता है बच्चों को स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है? काइनेटोकोर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है। ये देखिएगा, हाँ एक मिनट, काइनेटोकोर जो है वो क्या है बच्चों, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमेयर के पास में होती है। ठीक है, इस एरिया पे मान लेते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर के पास होती है और इससे ही प्रोटीन से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, कौन अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर। तो ये जो है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इससे अटैच होते हैं और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो पुल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेंट्रोमेयर जो है ये टूट जाता है, यानी कि सेपरेटेड हो जाता है, यानी कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो आपस में अटैच हैं और इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं इनको एक साथ रखे हुए हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, प्रेम का धागा यहाँ पे टूट जाता है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को बांधे रखता है, वो टूट जाता है। और जब बच्चों टूट जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ये एक आर्म हो गई, मतलब ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, दूसरे को हम दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसको हमने कह दिया सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये हो गई हमारी काइनेटोकोर। ठीक है, ये हमारी हो गई काइनेटोकोर। फिर यहाँ से अटैच होंगे, ये हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम
पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहां से अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर ने, जैसे कि यहाँ पे पोल्स से होते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पोल्स में, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो होते हैं उससे निकले हुए होते हैं ये, ठीक है, ठीक है, उससे निकले हुए होते हैं ये, क्या कहते हैं, पुल करते हैं, एक एक अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है। जैसे वो रस्सी वाला गेम हुआ करता था ना, कि एक रस्सी होती थी, एक कुछ बच्चे उस साइड हो जाते थे, कुछ बच्चे उस साइड हो जाते थे, अपनी तरफ खींचते थे। तो जब ये अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, ये अलग हो जाता है, ठीक है। ये जब अलग हो जाता है तो ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये भी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, जैसे कि हम इस प्रकार से रेड वाला अलग हो गया और लाल वाला भी अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इस टाइम पे ये क्या कहते हैं, ये वाला, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो अपने अपने पोल्स की तरफ इनको ले आते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये था हमारा काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर, ठीक है, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। तो बच्चों आज हमने बात की काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन क्या है, उसका यूज क्या है, और सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर में या सेंट्रोजोम में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इनके बीच का अंतर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने बात की है सेंट्रोमियर की। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।